नमस्कार, फूड गुरु टू से आपके साथ है नेहा मल्होत्रा। तो चलिए आज हम बनाते हैं बटर मसाला पाव। हमने हमारी गैस चालू करके ऑलरेडी फ्राई पैन तवा पैन रख दिया, इस पर हल्का सा ऑयल ब्लश कर दिया है, ये बटर को मेल्ट करके रखा है। बस इसके अंदर हमने क्या डालना है, रेड चिल्ली पाउडर डालना है, यह हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, और स्पाइसेस के लिए हल्का सा ब्लैक पेपर डाल देते हैं इसमें, बिल्कुल हमने ये ज़्यादा मसाला नहीं इसमें करना है, और इसे ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पाव को इस तरह से हमने बीच में से कट करके इस तरह कर लिया, दो पाव को एक साथ। अब हमने क्या करना है, जो हमने बटर तैयार किया था उसे हमने इस तरह से लगा देना है अच्छी तरह से दोनों तरफ, और इसी तरह से हमने पाव के दूसरी तरफ भी बीच में लगा देना है। हमने इसमें सॉल्ट इसलिए नहीं डाला क्योंकि बटर के अंदर एक अपना ही सॉल्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। बस ये हमने अंदर से लगा दिया है, इसी तरह से हमने इसके नीचे वाले पोर्शन पे भी लगा देना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मसालेदार हो जाएगा। ये थोड़ा लाइट भी लगाते हैं तो बहुत ही टेस्ट बढ़िया हो जाता है। बस इस तरह से लगा के हमने हल्के से तवे पे छोड़ देना है, और हल्का सा इसे ऊपर से भी हमने इस तरह ब्रश कर देना है दोनों तरफ से, और बिल्कुल इसे धीमी आंच पे धीरे धीरे सेकना है हमें ये पाव को। बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरे को भी लगा लिया है, इसे भी हम तवे पे इस तरह पहले रख देते हैं, और फिर क्या करेंगे, इसे इस तरह पहले सेकने देंगे और इसकी दूसरी तरफ लगा लेंगे दोनों तरफ। इस तरह से हमने लगा लेना है हल्का हल्का, जब इसकी एक तरह सीख जाएगी तो फिर हमने इसे इस तरह दूसरी तरफ ऊपर नीचे करके सेक लेना है अच्छी तरह से। देखिए अंदर से बहुत बढ़िया हो गया, इसी तरह ये दोनों पाव हमने रेडी कर लेने हैं। देखिए हमारे दोनों पाव बहुत ही बढ़िया सेक के रेडी हो गए, अब हमने इसे एक प्लेट में सर्व कर देना है। देखिए हमारे बढ़िया गर्मा गर्म मसाला पाव बनकर रेडी है, बटर मसाला पाव। इसे आप सिर्फ चाय कॉफ़ी से भी खा सकते हैं, चाहे तो फॉर ए चेंज पाव भाजी से खाइए, अंडा भुर्जी से खाइए, आमलेट के साथ खाइए, या किसी तरह की ग्रेवी की सब्जी के साथ खाइए। आप एंजॉय कीजिए और बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए एक और नए वीडियो के साथ आपको मिलती है नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।